वाव फैक्ट्स में आपका स्वागत है। इंटरनेट आज के दौर में एक ऐसी जरूरत बन गया है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और लॉकडाउन के बाद से इंटरनेट का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया है। देश को डिजिटल बनाने के जोश में हम अपने पर्यावरण को हर रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव औद्योगिक और यातायात प्रदूषण से पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रदूषण बढ़ाने में इंटरनेट भी खासी भूमिका निभाता है। एक सर्वे में पता चला है कि इंटरनेट में इस्तेमाल होने वाली अनावश्यक बिजली हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। दुनिया भर में बैठे नेट सर्फर्स एक कमांड पर मनचाही सूचना पा जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में सर्वरों को कितनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, इसका खुलासा भी इस सर्वे में किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध भौतिक विद डॉक्टर एलेक्स विजनर ग्रॉस ने कुछ अरसा पहले अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला था कि गूगल पर दो बार खोज करने से लगभग उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जितनी कि एक कप चाय उबालने में, और एक कप चाय उबालने से लगभग 15 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। खबर इतनी सनसनीखेज और चिंताजनक थी कि गूगल को बयान जारी कर इस बारे में स्थिति साफ करनी पड़ी। अलबत्ता गूगल को मानना पड़ा कि भले ही गूगल पर सर्च करने पर इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती, लेकिन होती जरूर है, और दुनिया का तापमान बढ़ाने में इसका कुछ ना कुछ तो योगदान है ही। लेकिन जो बात गूगल ने नहीं कही वो थी कि इतना प्रदूषण सिर्फ उन खोजों में पैदा होता है जिनके नतीजे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जिनके लिए गूगल को खासी मेहनत करनी पड़ती है, उससे पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम के बीच कहीं भी हो सकती है। यही नहीं, जर्मन इंटरनेट कंपनी स्ट्राटो ने 2007 में गूगल के डेटा सेंटरों, सर्वरों और खोज अनुरोधों की गणना पर बताया कि गूगल सर्च पर खर्च होने वाली बिजली से 11 वॉट का CFL बल्ब 1 घंटे तक जल सकता है। हैरानी हुई ना जानकर। आज लगभग 2 अरब लोग इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। इसके जरिए दुनिया भर में हो रही ऊर्जा की खपत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, और ऊपर से ये हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ भी रहा है। आप और हम जब एक आध घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल करके उठते हैं, तब तक हम दुनिया की सबसे चिंताजनक समस्या में थोड़ा और योगदान दे चुके होते हैं। हम हर रोज ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती को जरा सा और गंभीर बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। क्या आपको यकीन होगा कि विश्व भर में वायुयानों, हेलीकॉप्टरों और उड्डयन उद्योग से जुड़े तमाम अन्य जगहों से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वो इंटरनेट के कारण पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से कम है। अमेरिकी शोधकर्ता फर्म गार्टनर के अनुसार 2007 में ही इंटरनेट ने वैश्विक प्रदूषण में 2% योगदान के साथ हवाई यात्रा उद्योग को पीछे छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि हमें तकनीक का प्रयोग घटा देना चाहिए या कंप्यूटर को बंद कर देना चाहिए, लेकिन जरूरत है तो बस थोड़ा जागरूक और समझदार होने की। दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी में से एक गूगल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए खास तौर पर निशाने पर रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके विशाल काय असंख्य डेटा सेंटर्स। इनमें बड़ी संख्या में सर्वर दिन रात दुनिया भर के नेट सर्फरों की फरमाइशें पूरी करते रहते हैं और मुश्तैद रहते हैं उनकी एक क्लिक के आगे। इंटरनेट आधारित बड़ी परियोजना चलाने वाली सभी कंपनियों, वेब होस्टिंग कंपनियों आदि के अपने डेटा सेंटर हैं, जिनमें हजारों की संख्या में सर्वर लगे होते हैं। इनके माइक्रोप्रोसेसर बड़ी मात्रा में बिजली की खपत करते हैं और उनसे वातावरण में गर्मी पैदा करते हैं। इस गर्मी को दबाने के लिए बड़ी संख्या में एयर कंडीशनर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डेटा सेंटरों का भीतरी हिस्सा तो ठंडा रखते हैं, लेकिन बाहर बड़ी मात्रा में गर्म गैसें प्रवाहित करते रहते हैं जो धरती के पर्यावरण में शामिल हो रही हैं। यूं भी एयर कंडीशनर में इस्तेमाल की जाने वाली गैसें, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, धरती की सुरक्षा करने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। इनमें खपत होने वाली बिजली का उत्पादन करने के लिए कोयला गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। क्या आप यकीन करेंगे कि अकेले अमेरिका के डेटा सेंटरों में सन 2006 में लगभग 61 अरब किलोवाट बिजली खर्च की गई थी। 2 महीने तक रोशन रखा जा सकता है। ये आंकड़ा कैलिफोर्निया की लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब का है, और आज तो हालात 2006 की तुलना में कहीं अधिक खराब हो चुके हैं। ये तो अकेले अमेरिका की बात हुई, सोचिए पूरी दुनिया में डेटा सेंटर कितनी ऊर्जा पी रहे होंगे। उनके साथ साथ इन कंपनियों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स और अब क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्वरों को भी जोड़ दीजिए। रही बात हमारी, तो ग्लोबल वार्मिंग में हमारी हिस्सेदारी उसी समय शुरू हो जाती है जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, क्योंकि हमारे अपने कंप्यूटर में लगभग 175 वॉट बिजली की खपत होती है।
उसके बाद हमारे निजी कंप्यूटर नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, विभिन्न देशों के इंटरनेट गेटवे और अंत में संबंधित वेबसाइट के सर्वर तक सब में बिजली की खपत हो रही है। जब हम इंटरनेट को कमांड देते हैं तो वो कमांड हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे महाद्वीप के डेटा सेंटर में रखे सर्वर पर जाती है, तो उसके माइक्रोप्रोसेसर को जवाब देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और इस क्रिया में बिजली की खपत वहाँ भी होती है। उसे जितना अधिक काम करना होगा बिजली की खपत, उसके परिणाम स्वरूप आसपास के वातावरण की गर्मी में उतना ही बढ़ोतरी करेगी। तो जब हम किसी कीवर्ड को सर्च करने का प्रयास करते हैं तो उसकी कमांड किसी एक सर्वर को नहीं बल्कि अनेक सर्वरों को भेजी जाती है। तेजी से जवाब देने के लिए उनमें एक किस्म की होड़ चलती है और जिसका जवाब सबसे पहले आता है गूगल उसी को हमें दिखा देता है। जाहिर है बाकी सभी सर्वरों पर खर्च हुई ऊर्जा की बर्बादी अनावश्यक थी, लेकिन चंद मिली सेकेंड में सर्च परिणाम देने की क्षमता ही गूगल की सफलता का आधार है, जिसने इसे दुनिया की सफलतम इंटरनेट कंपनी बना दिया। क्या गूगल पर्यावरण के लिए अपना इतना बड़ा त्याग करेगा? बिल्कुल नहीं। कैसी विडंबना है कि जिस गति से इंटरनेट की क्षमता और कनेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात से पर्यावरण पर बोझ बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जब भी आप अपने घर पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि जब तक उसकी जरूरत हो या फिर जितनी कम आप कोशिश करें उसका इस्तेमाल करें। जितना आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पर्यावरण में उतना ही कुछ फूल खिलते चले जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।